सभी स्टूडेंट को नमस्कार गुड इवनिंग इतने बच्चे लाइव आ चुके ब्राउन मुंडा रानी विलीम सुखबराड़ अमृतपाल दीप रंजन बराड जसप्रीत रूपाली सभी बच्चों को नमस्कार गुड इवनिंग रोहित नूर दीक्षा बंसल रिया शर्मा इन्विंसिबल राजवीर पंडित नवदीप आयल हरीश माहर सुख बराड कंचन सभी बच्चों को गुड इवनिंग नमस्कार कल से थोड़ा सा आसान पेपर रखा गया कार्तिक गर्ग सभी बच्चों को गुड इवनिंग राउन मुंडा नमस्कार तो आज के इस शाम के सेशन में गुड इवनिंग जसप्रीत इस सेशन को अच्छा बनाते हैं और कम से कम टाइम के अंदर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने अगर आपने पास करना है सीनियर असिस्टेंट ठीक है ना तो आज से ही लग जाओ वैसे तो कल से आप लग चुके हैं ठीक है ना लेकिन सबसे ज़रूरी बात है आपके प्रयास बहुत अच्छे होने चाहिए और प्रयास अच्छे होंगे तभी आप इस पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे ठीक है तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए क्वेश्चन नंबर एक पर शुरू करते हैं आप हम बाकी आते रहेंगे क्वेश्चन लगाते रहेंगे बच्चे ठीक है <coughs> आ जाइए और सबसे पहले बता दो ठीक हो सारे एक बार ये बता दो ठीक हो उसके बाद थम्सअप लगा दो ठीक है ना थम्सअप ही लगा दो सारे सरभजीत कौर गुड इवनिंग हाँ जी राजवीर पंडी बहुत बढ़िया चलिए सब बच्चे एक बार थम्सअप लगा दो गिरीश गोयल जी बहुत बढ़िया ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ हर्ष पुष्ट है हम लोग और क्लास शुरू करते हैं चलिए आज का पहला क्वेश्चन ठीक है चलिए बहुत अच्छे से करना सभी कोशिश करना आसान क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है ठीक है चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है देखो जरा ध्यान से मेरे साथ करते जाना सबसे पहले क्वेश्चन ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन देखो विच तमिल राइटर हैज बीन अवार्डेड द जेसीबी अवार्ड दो हजार तेईस फॉर हिज नॉवल फायरबर्ड ठीक है फायरबर्ड एक नोवेल है एक किताब है जिसका नाम है फायरबर्ड और सबसे पहला क्वेश्चन आएगा जेसीबी अवार्ड किस में दिया जाता है लिटरेचर में दिया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट भी आ चुका है कि जेसीबी अवार्ड किस में दिया जाता है तो आप सभी ने बताना सर ये अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर यानी साहित्य ठीक है दो का अवार्ड किसको मिला है तो फायरबर्ड नॉवल के लिए मिला है इनका नाम क्या है पेरूमल मुर्गन ठीक है ना इनका नाम क्या है पेरूमल मुर्गन एक तमिल राइटर है बेटा तमिलनाडु के राइटर है और ये तमिल जो भाषा है ना मेरी बात सुनिए ध्यान से तमिल भाषा कहाँ की है तमिलनाडु की है ठीक है नाडू का मतलब होता है कंट्री तमिल मतलब तमिल बोलने वाले लोगों का देश ठीक है सबसे पहली बात याद रखनी है कि तमिल राइटर का नाम क्या है पेरुमल मुर्गन और 2023 का कौन सा अवार्ड मिला है तो जेसीबी अवार्ड फॉर लिटरेचर इनको दिया गया है रजनीश देवानिया गुड इवनिंग ठीक है बहुत बढ़िया ध्यान से सुनना मोनू बंसल बहुत बढ़िया सोनी यादव देखिए मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए सारी बात जेसीबी अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर में और 2023 का मिला तमिल भाषा के लिए किसको मिला है पैरुमोल मुर्गुन को मिला किस किताब के लिए फायर बर्ड के लिए मिला और तमिल जो है ना फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज है बेटा फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज है क्या क्लासिकल लैंग्वेज अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत में टोटल क्लासिक लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है छ है अगर क्वेश्चन आ गया भारत में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है अगर क्वेश्चन आ गया टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है तो आपने बताना है सर टोटल क्लासिकल जो लैंग्वेज है वो कितनी है बेटा तो आप सभी ने बताना है बेटा छः है ठीक है सिक्स क्लासिकल लैंग्वेज है जिसमें तमिल है पहली उसके बाद में कौन सी बेटा संस्कृत है ओड़िया है ठीक है तमिल है उसके अलावा संस्कृत है संस्कृत के बाद में ओडिया है ओडिशा की ओडिया ओड़िया के बाद में तेलुगु है तेलुगु है ठीक है ना तेलुगू के बाद में पूछे तो आपने बताना कन्नड़ और मलयालम ठीक है कन्नड़ कन्नड़ और मलयालम मलयालम ठीक है ये छह अपनी क्या है क्लासिकल लैंग्वेज है क्वेश्चन आ गया भारत में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी छे है पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है तमिल है ठीक है ना और टोटल छ पूछे तो तमिल संस्कृत ओडिया तेलुगु कन्नड़ मलयालम ठीक है तमिल संस्कृत ओडिया तेलुगु कन्नड़ मलयालम गुड इवनिंग सोनू जिंदल चलिए ये छह क्लासिकल लैंग्वेज है तमिल संस्कृत ओडिया तमिल संस्कृत ओडिया ठीक है तेलुगु कन्नड़ मलयालम तेलुगु कन्नड़ मलयालम ठीक है बहुत अच्छे से आपने याद रखना है बेटा हाँ जी बताओ जरा कर पाओगे आप सारे हाँ जी कर पाओगे आप सारे एक बार ऐसा लगाओ फिर आगे बढ़ते हैं हाँ जी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है क्लासिकल लैंग्वेज का इंडिया के लिटरेचर में और शुरुआत में जो कंटेस्ट मिले अपने को शुरुआती दौर में प्राचीन इतिहास के अंदर वो अपने को किस भाषा में मिले तो वो आपने बताना है क्लासिकल लैंग्वेज में पहली, क्ला, पहली क्लासिकल लैंग्वेज तो आपने बताना बेटा यह तमिल फिर संस्कृत फिर ओडिया तेलुगु कन्नड़ मलयालम ये छे के छह याद रखना ठीक है अगर होसके तो बढ़िया से लिख लेना सारे निशुचूक बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं इसका जवाब आएगा पेरुमल मुरुगुन तमिल राइटर है नोवलिक फायरबर्ड कौन सा वार्ड जेसीबी इसमें दिया जाता है लिटरेचर के अंदर ठीक है आइए वर्ल्ड टॉयलेट डे टॉयलेट का मतलब शौचालय ठीक है मेरी बात सुनिए ध्यान से प्यारे बच्चों वर्ल्ड टॉयलेट डे भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है दुनिया में मनाया जाता है पूरी और इस डे की शुरुआत भी भारत ने करी ठीक है और कब मनाया जाता है उन्नीस नवम्बर अगर कभी भी आए ना क्वेश्चन की बताइए सर हाँ जी टॉयलेट डे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आता है है ना कई तो असरे होंगे यार क्या तो क्वेश्चन है टॉयलेट के भी क्वेश्चन डाल दिए अरे जरूरी है देश में ठीक है ना पहले वाले अपने भारतीय जो लोग थे वो लोटे लेके जाते थे इधर खेतों वगैरह में लेकिन है तो टॉयलेट जो था जरूरी था ठीक है तो अब अगर क्वेश्चन आ गया सैनिटेशन के लिए ओपन डेफिकेशन फ्री करना था देश को तो ये मतलब एक जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा डे मनाया जाता है तो आपने बताना वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है ठीक है और इसका जवाब इसका जवाब आएगा उन्नीस नवंबर और जसप्रीत कौर ने एक बहुत बढ़िया डेटा बताया कि वर्ल्ड मैनस डे मनाया जाता है तो ये जो पुरुष देख रहे हैं ना वीमन नहीं बेटा मैन अगर आपको मैन डे आ जाए ना तो उन्नीस नवंबर को मनाया जाता है ठीक है दोनों डे याद रखना टॉयलेट डे उन्नीस नवंबर और वर्ल्ड मैन डे भी कब मनाया जाता है उन्नीस नवंबर ठीक है बहुत अच्छे से बताना सारे के सारे चलिए शाबाश आगे बढ़ते हैं वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग अब यहाँ पर मेरी एक बात सुनना यूनिकॉर्न जो स्टेटस दिया जाता है बिजनेस को दिया जाता है यूनिकॉर्न जो स्टेटस दिया जाता है बिजनेस को दिया जाता है ठीक है अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुनना मेरी यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी होती है जिसका मतलब मार्केट कैपिटल जिसका मार्केट जो एक साइज है जिसका मतलब कैपिटल है वो एक बिलियन से ज़्यादा हो ऐसी कंपनी जिसका मतलब मार्केट जो साइज है एक बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो उस कंपनी को एक स्टेटस दिया जाता है उस स्टेटस को बोला जाता है यूनिकॉर्न उस स्टेटस को दिया जाता है यूनिकॉर्न बोला जाता है बेटा ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान से सुना मेरी बात अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर कि यूनिकॉर्न क्या होता है ऐसा बिजनेस जैसे बाइजूज है भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना आपने बताना है बाइजूज बना ठीक है बाइजूज बना बाइजूज आपको पता है एक स्टडी प्लेटफॉर्म है और बाइजूज भारत का पहला यूनिकॉर्न यु, था ऐसी कंपनी ऐसी मतलब प्लेटफॉर्म जिसका मार्केट साइज एक बिलियन डॉलर से ज्यादा हो उसको एक स्टेटस दिया जाता है जिसका नाम है यूनिकॉर्न ठीक है अच्छा ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का कौन सा बेटा थर्ड है पहला यूएसए दूसरा किसका चाइना तीसरा किसका इंडिया और भारत में कितने यूनिकॉर्न के साथ तीसरा रैंक मिला बेहतर यूनिकॉर्न ठीक है ये भारत में ऐसी कंपनी कितनी है बेहतर है वैसे तो बेहतर से भी ज्यादा है लेकिन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में बेहतर जो कंपनी है उसको शामिल किया गया है ठीक है क्वेश्चन आपको सीधा आएगा यूनिकॉर्न स्टेटस किसको दिया जाता है ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल कितने से ज्यादा एक बिलियन डॉलर से ज्यादा है ठीक है और अगर क्वेश्चन आ गया ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में बात करें रैंक दुनिया में कितना है आपने बताना है, सर थर्ड है पहला किसका यूएसए दूसरा किसका ताइना और तीसरा किसका इंडिया और भारत का जो टोटल यूनिकॉर्न रैंकिंग यूनिकॉर्न कितना है कितना पैसा है भारत के पास यूनिकॉर्न में एक सौ पचानवे पॉइंट पचहत्तर बिलियन डॉलर भारत का सिर्फ यूनिकॉर्न का स्टेटस है तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है सिर्फ इतना याद करना uh, <coughs> तो नमस्कार अनिरुद्ध बिश्नोई

वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है हर साल फिशरीज होता है मछली पालन और ये मनाया जाता है हर साल कब 21 नवंबर इस दिन कुछ अवार्ड दिए जाते हैं और ये अवार्ड है बेटा बेस्ट स्टेट अवार्ड किसके लिए फॉर इनलैंड फिशरीज इनलैंड फिशरीज़ का मतलब क्या होता है मतलब समुद्र में नहीं ऐसी मछली जिसके लिए लोग तालाब बनाए जाते हैं ऐसे लोग जो तालाब बनाकर मछली का उत्पादन करते हैं खेतों में तालाब बनाए जाते हैं या गाँव में तालाब बनाए जा इनलैंड का मतलब समुद्री सीमा से बाहर अगर कोई स्टेट के अंदर कोई तालाब बनाकर मछली का उत्पादन कर रहा है उसको बोला जाता है इनलैंड फिशरीज ठीक है और इनलैंड फिशरीज में बेस्ट स्टेट अवार्ड कौन सा किसको दिया गया है आपने स्टेट का नाम बताना बेटा उत्तर प्रदेश आपने स्टेट का नाम क्या बताना उत्तर प्रदेश बताना है और रानी बलीम ने बताया बेटा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है बहुत बढ़िया सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल तो इस बात से हम मना भी तो नहीं कर रहे कि यही है और भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा उत्तर प्रदेश है और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहाँ पर है भारत में लोकसभा सीटें कहाँ पर है भारत में तो वो आपने बताना उत्तर प्रदेश में कितनी अस्सी सीटें हैं भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कितनी कहां पर है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें अस्सी है और अगर क्वेश्चन आ गया बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरीज किसको दिया गया है आपने स्टेट का नाम बताना उत्तर प्रदेश उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा हाँ जी बताइए जरा क्वेश्चन समझ आया क्या आगे बढ़ते इसके बाद में वर्ल्ड टेलीविजन डे हर साल कब मनाया जाता है बताइए सारे टेलीविजन डे कब मनाया जाता है हर साल जल्दी से बताइए इतना टाइम नहीं अपने पास ना आपके पास है क्योंकि आप तो बहुत बिजी लोग हो रोहित नूर बहुत बढ़िया 21 नवंबर को मनाया जाता है हर साल कौन सा डे टेलीविजन डे और जवाब इसका क्या आएगा बेटा एक नंबर आएगा ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश हर बच्चा पार्टिसिपेट करे हर बच्चा ढंग से सीखे चलिए निशु चूग बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं थीम है इसकी असेसिबिलिटी चलिए बहुत बढ़िया अगर थीम भी याद कर पाओ तो बलजीत सिंह बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नवदीप ब्राउन मुंडा करमजीत करमावाड़ी तीये है ना हरीश माहर बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन आसान लगेंगे कुछ टफ लगेंगे लेकिन रली मिली प्रैक्टिस है अब बताओ जरा नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है जल्दी बताइए अब स्पीड से चलिए और टी ट्वेंटी मैच खेलिए ठीक है अब आपने बताना नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है जल्दी बताइए आप सारे और ये मनाया जाता है हर साल अट्ठाईस फरवरी को नेशनल साइंस डे अट्ठाईस फरवरी को ठीक है और अगर आपको सेंट्रल एक्साइज डे आ जाए अगर आपको सेंट्रल एक्साइज डे आ जाए तो ये मनाया जाता है हर साल चौबीस फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे चौबीस फरवरी को और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को और एक डे और मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर एक डे और मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट और ये मनाया जाता है दस नवंबर अगर क्वेश्चन आ गया ना वर्ल्ड साइंस डे पीस एंड डेवलपमेंट दस नवंबर और अगर क्वेश्चन आ गया कि नेशनल साइंस डे फरवरी ठीक है आज रले मिले क्वेश्चन है पंजाब जी की भी डाली गई है अच्छा आगे बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स एक पैराडाइज है धरती के ऊपर और वैली ऑफ फ्लावर एक नेशनल पार्क भी है ठीक है अब आपने बताना वैली ऑफ फ्लावर्स एक पैराडाइज है धरती के ऊपर मतलब स्वर्ग धरती के ऊपर फूलों की घाटी कहा जाता है इसको ठीक है और एक प्रकार का नेशनल पार्क भी है अब आप सभी ने बताना सर फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पर है आप सभी ने बताना सर उत्तराखंड के अंदर है ठीक है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जिसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है और ये कहाँ पर है उत्तराखंड के अंदर है और जवाब आएगा इसका क्या बेटा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ठीक है आगे बढ़ते इसके बाद में वर्ल्ड अर्थ डे हर साल कब मनाया जाता है बताओ जरा विश्व धरती दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे बताओ जरा कब मनाया जाता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छे से आपने बताना है बेटा ठीक है वर्ल्ड अर्थ डे का मनाया जाता है जल्दी बताइए आप सारे मैं क्लास तो डेली ले लेंगे बेटा बेटा कोई बात नहीं <laughs> ले लेंगे बेटा। अपने को क्लास से वैसे ही बोल देता हूँ बच्चों का तो इस चीज के फर्क नहीं पड़ता यार आपको अपने मास्टर का पता नहीं किया आप तो मेरे से ऑफलाइन पढ़े हो यार इतना लालची मास्टर नहीं है आपका ठीक है ना साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहू साधु ना भूखा जाए आपा तो उस प्रवृत्ति के लोग हैं ठीक है ना कुछ लोग मतलब टीचर बन जाते मतलब कमाई के लिए आपा टीचर बने पैशन को फॉलो करने के लिए ठीक है बाकी घर चल रहा है आप इसमें खुश हैं ठीक है चलिए वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है हर साल बाईस अप्रैल नंबर एक बात दूसरी बात बाईस मई को मनाया जाता है बायो डाइवर्सिटी डे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायो डाइवर्सिटी डे ये मनाया जाता है हर साल बाईस मई को बाईस अप्रैल को कौन सा डे मना अच्छा अर्थ डे बाईस अप्रैल को मनाते हैं बेटा तेईस अप्रैल को नहीं बाईस अप्रैल को ठीक है अर्थ डे मनाया जाता है बाईस अप्रैल को याद रखना और तेईस अप्रैल को तेईस अप्रैल को तो आपने बताना सर ये मनाया जाता है तेईस अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज डे याद रखना इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज डे तेईस अप्रैल को और बाईस अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे बाईस मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे और अगर वाटर डे आ जाए आपको वर्ल्ड वाटर डे और ये मनाया जाता है हर साल बाईस मार्च अगर बाईस मार्च को पूछे ना वाटर डे मनाया जाता है बेटा सत्य्री अकाल जगशीत सिंह सिद्धू जी ठीक है तो क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है तो बाईस अप्रैल वाटर डे बाईस मार्च बायोडाइवर्सिटी डे बाईस मई इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज डे तेईस अप्रैल और इसका जवाब लगाओगे बेटा बाईस अप्रैल ठीक है बहुत अच्छे आगे बढ़ते इसके बाद में ओरिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं अगर आपको आ जाए काजीरंगा मेरी बात सुनना मेरे प्यारे बच्चों काजीरंगा काजीरंगा के बाद में आ जाए मानस मानस के बाद में आ जाए डिब्रू साइ डिब्रू साइकोवा साइक ऑफलाइन वालों घबराना मत तुम्हें सारा करवा दूंगा ठीक है डिब्रू साइ उसके बाद में कौन सा बेटा औरंग जिसका पुराना नाम राजीव गांधी था अब सीधा इसका नाम कर दिया गया है ठीक है उसके बाद बाद में में के कौन सा नामेरी ठीक है औरंग के बाद में कौन सा आपने बताना सर नामेरी ठीक है नामेरी के अलावा कौन सा बेटा देहिंग पटकाई देहिंग पटकाई और देहिंग पटकाई के बाद में लास्ट में कौन सा बेटा देहिंग पटकाई के बाद में राज वो है रायमोना लास्ट में कौन सा बेटा लास्ट में है रायमोना नेशनल पार्क रायमोना ये सात ऐसे नेशनल पार्क है जो आसाम में है काजीरंगा मानस डिब्रो ओरिंग नामेरी देहिंग पटकाई और रायमोना और काजिरंगा और मानस तो क्या है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है काजिरंगा और मानस क्या है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ठीक है तो ये सात नेशनल पार्क है मेरे प्यारे बच्चों हाँ जी नहीं अच्छी बात है पकड़ वाले स्टूडेंट है तो बहुत अच्छी बात है मैंने पेपर आसान डाला आज और धीरे धीरे अगर आप बच्चों का ये थोड़ा सा मेरे को टाइम मिलाना तो मैं ऑफलाइन ऑनलाइन धूम मचाने की सोच रहा हूँ इस बार ठीक है ना और वो गाना भी चला देंगे धूम मचा ले धूम मचा ले ना बस मेरी लाज रख लेना तुम लोग खासकर ऑफलाइन वालों लाज रख लेना तुम इस बार मास्टर का नाम ना डूब जाए ठीक है ना तो मर्जी करना पड़े ये वर्ल्ड कप नहीं है ये आपकी लाइफ का कप है और अगर इसमें अगर आप फेल होंगे ना तो कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे कि अपनी मेहनत में कमी है ठीक है कोई बात नहीं बिल्कुल राज लाज रखनी है रात दिन पढ़ना है और एक रिजल्ट लेके आना है बेटा ठीक है आ जाइए तो औरंग नेशनल पार्क कांपरा आसाम के अंदर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भारतनाट्यम एक फेमस क्लासिकल डांस है और किस भारतीय स्टेट का है और मेरे को लगता है ये बच्चे आसाम लगाएंगे बहुत बढ़िया आसाम जिस जी जी इसका लगा है वो बहुत बढ़िया हाँ जी चलिए सेजल ने लगाया बेटा तमिलनाडु और सभी बच्चे लगा रहे हैं तमिलनाडु प्यारे बच्चों भारत में क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम और ऐसा क्लासिकल डांस जिसको पहली बार विदेशी धरती पर परफॉर्म किया गया <coughs> वो कौन सा बेटा भरतनाट्यम है ठीक है और इसका जवाब क्या इसका आएगा इसका जवाब आएगा तमिलनाडु छतरिया कहाँ का है छतरिया तो ये छतरिया है आसाम का ठीक है कथकली और मोहनी अट्टम कहां का है कथकली कथकली और मोहनी अट्टम मोहनीअट्टम ये कहां के बेटा ये है आपके केरला के कथकली किया जाता है किसके द्वारा पुरुषों के द्वारा और मोहनीअट्टम किसके द्वारा किया जाता है महिलाओं के द्वारा ठीक है चलिए इसके बाद में बहुत बढ़िया इतना टाइम भी लगाना है बस आपने उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है जल्दी बताइए आप सारे अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आप सभी ने बताना कटक में है और कटक पर उड़ीसा में है और अगर आपको वर्ल्ड राइस रिसर्च आ जाए अगर आपको वर्ल्ड राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाए वर्ल्ड राइस रिसर्च वर्ल्ड राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाए तो ये आपने कहाँ पर बताना है ये आपने बताना मनीला के अंदर है और मनीला कामरे फिलीपींस की राजधानी है ठीक है अगर आपको वर्ल्ड राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाए ना आपने बताना मनीला और मनीला कांपरा आपने बताना फिलीपींस की राजधानी है बहुत बढ़िया इसके बाद में आगे बढ़ते हैं राइस रिसर्च के बाद में बहुत बढ़िया गिरीश गोयल नवदीप राजवीर पंडित जसप्रीत दीप रंजन बहुत बढ़िया बच्चों आगे बढ़ते हैं अब आपने बताना है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है जल्दी से बताइए आप सारे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हाँ जी आप सभी से जवाब चाहिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आप सभी ने बताना है बेटा ये इंस्टीट्यूट है करनाल करनाल कहाँ पे है तो आपने बताना है हरियाणा के अंदर है ठीक है उसके बाद में अगर आपको पूछे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे है अगर आपको नेशनल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आ जाए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आ जाए इसको बोला जाता है एन और ये काम पर बेटा ये आनंद में है और आनंद काम पर गुजरात में है ठीक है बहुत बढ़िया और नेशनल मिलक डे कब मनाते हैं बेटा क्योंकि डेयरी का काम है मिलक का तो नेशनल मिलक डे बता दो ज़रा कब मनाया जाता है और इसके साथ बता दो वर्ल्ड मिलक डे कब मनाया जाता है वर्ल्ड मिलक डे कब मनाया जाता है जल्दी बताइए तो नेशनल मिलक डे मनाया जाता है हर साल छब्बीस नवंबर ठीक है अभी आने ही वाला है आज बाईस नवंबर है तो जस्ट चार दिन बाद तीन दिन बाद जो चौथा दिन आएगा वो है बेटा नेशनल मिलक डे और वर्ल्ड मिलक डे मनाया जाता है एक जून को ठीक है एक जून को चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब आपने बताना है लार्जेस्ट इरीगेशन केनाल है ना भारत की सबसे लंबी जो इरीगेशन केनाल है साढ़े छह सौ किलोमीटर लंबी है और इस केनाल का नाम क्या है जल्दी बताइए आप सारे भारत की सबसे लंबी मतलब सिंचाई नहर का नाम क्या है तो आपने बताना सर इंदिरा गांधी केनाल इसका इसका निर्माण शुरू किया गया 1958 में क्या नाम था इसका राजस्थान कैनाल इसका नाम था लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल के क्या किया गया इसका नाम बदल के किया गया इंदिरा गांधी कैनाल ठीक है बहुत बढ़िया उसके बाद में बिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इनमें से कौन सा वो भारतीय स्टेट है जिसकी सबसे लंबी मतलब समुद्री सीमा है सबसे लंबी कोस्ट लाइन है जल्दी बताइए आप सारे बहुत बढ़िया बहुत अच्छे सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है गुजरात की है और वर्ल्ड में पूछे तो आपने कैनेडा की बताना है वर्ल्ड में पूछे मेरे प्यारे बच्चों आपने बताना है कैनेडा ठीक है बहुत बढ़िया चलिए आगे बात करते हैं द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज नेम्ड भारत की पहली परमाणु भट्टी भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर उन्नीस में लगा और ये कहाँ पर लगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसका नाम क्या था इसका नाम था अप्सरा ठीक है भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था आप सभी ने बताना बेटा अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है परमाणु भट्टी होती है बेटा ठीक है न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब परमाणु भट्टी होती है और इसका जवाब क्या आएगा इसका जवाब आएगा बहुत बढ़िया अमन गोदारा जी काफ़ी लेट आए हैं आप क्या करें सर जी काम धंधे बहुत होते हैं हाँ जी चलिए इसका जवाब आएगा अप्सरा बहुत बढ़िया इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल अब आपको पता बताया भारतीय संविधान के अंदर लैंग्वेज को मतलब शेड्यूल किया गया लिस्टेड किया गया है भारतीय संविधान के अंदर और आपने बताना है लैंग्वेज के लिए कौन सा शेड्यूल है कौन सी मतलब सूची है तो आपने बताना बेटा आठवां शेड्यूल है लैंग्वेज को लेकर आठवां शेड्यूल है ठीक है और जो लिस्ट है कॉन लिस्ट है स्टेट लिस्ट है

बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों इसका जिसने जवाब लगा रहे वाह गिरीश गोयल क्या बात है, है? आ ता शुरुआत मित्रों बख्शे ताज दिया बढ़िया लंबिया राह ने सतिंदर तो सरताज दिया बहुत बढ़िया इसका जवाब आएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अच्छा ये कर रहे हैं कई बच्चे ना जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आता है तो आत गूगल कर लेते हैं अरे वाह क्या दिमाग पाया है ठीक है पर चलो इस बाने से याद रहेगा आपको ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उस पर बेस है कौन बेटा प्रीएम्बल ठीक है कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं फॉलोइंग मेंशन यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया अब आपने बताना सर चलो बहुत अच्छी बात है कल इसकी डिटेल पूछ लेंगे आपको हाँ जी चलिए

वो राष्ट्रपति की प्रायर सहमति से राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से इसको क्या किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसको कहा लाया जाता है बेटा इसको लोकसभा में पेश किया जाता है आर्टिकल 110 है आर्टिकल 108 जो है ना वो जॉइंट सेशन को लेकर है बेटा ठीक है ना जॉइंट सेशन को लेकर है जब लोकसभा राज्यसभा में कोई सहमति ना बने ना तो फिर ज्वाइंट सेशन होता है और इसका जवाब आ आर्टिकल एक दस बेटा ये मनी बिल मनी बिल का मतलब क्या होता है पैसा अपन लॉन्च करवाना है मनी लॉन्च करवानी है ठीक है प्रोजेक्ट्स के लिए इसका जवाब क्या आएगा इसका जवाब आएगा बेटा तीन नंबर बहुत बढ़िया आपके मास्टर को भी थोड़ी थोड़ी पॉलिटी आती है सारी तो नहीं आती ना अपने को ज्यादा हिस्ट्री आती बस मैं तो क्वेश्चन रट के बैठ जाता हूँ आधे आंसर आप बता देते हो आधा मेरे को याद हो जाता है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बिच एयरपोर्ट विल बीम रीनेम्ड रेन, आफ्टर शहीद भगत सिंह इन पंजाब कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसका नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पे किया जा रहा है बेटा पता ही जरा पंजाब में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तीन है एक तो बेटा अमृतसर का कौन सा अमृतसर का जो एयरपोर्ट है इसका नाम है हलवा इसका नाम है राजा सांसी लेकिन अब इसका नाम है श्री गुरु राम रामदास जी इसका जवाब आएगा श्री गुरु रामदास जी एक हलवारा लुधियाना के पास हलवारा है इसका भी नाम बदला जा रहा है बेटा हलवारा का बता दो जरा क्या नाम किया जा रहा है और तीसरा चंडीगढ़ चंडीगढ़ वाले का नाम बदल के क्या किया जा रहा है शहीद भगत सिंह पंजाब में तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे बेटा एक चंडीगढ़ वाला जिसका नाम है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अमृतसर राजा सांसी ठीक है ना राजा सांसी जिसका अब नाम क्या है श्री गुरु रामदास जी और एक हलवारा लुधियाना के पास हलवारा में बन रहा है और अभी तक इसका नाम है हलवारा एयरपोर्ट लेकिन आगे बदल कर किसके नाम पे किया जाएगा वो आप सभी ने बताना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विच फुटबॉल टीम वॉन द एक सौ बत्तीसवा एडिशन ऑफ ड्यूरेंट कप आप सभी जानते हैं सबसे पहले यूरेंट कप का संबंध किससे फुटबॉल से काफी पुराना टूर्नामेंट है और भारत का फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है यूरेंट कप है 1888 में शुरुआत हुई और इस साल कौन सा एडिशन हुआ 2023 का 132वां एडिशन हुआ और 132वें एडिशन को जीता किसने मोहन बागान ने स्कोर आके ईस्ट बंगाल को हरा के ठीक है याद रखना बच्चों यूरेंट कप कप का संबंध किससे है तो आपने बताना सर इसका संबंध है फुटबॉल से पहली बार कब हुआ अठारह में भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ठीक है एक सौ बत्तीस एडिशन हुआ दो हजार तेईस के अंदर जीता किसने मोहन बागान ने किसको हरा के ईस्ट बंगाल को और जवाब इसका क्या नंबर आएगा बेटा चार नंबर आएगा ठीक है इसका जवाब आएगा मोहन बागान किसको हराया ईस्ट बंगाल को जवाब इसका क्या आएगा बेटा चार नंबर आएगा ठीक है चलिए शाबाश पहले सारे कॉमेंट करके बता दो क्लास ठीक लग रही है जल्दी से बता दो क्लास ठीक चल रही है क्या अच्छे से बताओ थोड़ा स्पीड से बताओ हिस्ट्री का लेक्चर <laughs> आपको तो सुबह ही मिल पाएगा या कल मिल पाएगा आज रिकॉर्ड करूँगा कल दे दूँगा आपको क्लास वालों कल दे देंगे ठीक है हाँ जी चलिए अच्छा कौन बनेगा करो करोड़पति में एक क्वेश्चन आया था <laughs> चलिए तो एक सौ बत्तीसवा एडिशन डूर कप का मोहन बागान ने जीता ईस्ट बंगाल को राके ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ठीक है चलिए अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट पूछे फुटबॉल का फीफा फीफा का हेडक्वार्टर कहा ज्यूरिच में है ठीक है ज्यूरिच में हेडक्वाटर है फीफा का ठीक है चलिए आगे बढ़ते इसके बाद में द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गेसिस लाफिंग गैस का केमिकल नाम क्या है? जल्दी बताइए फीफा का भी करेंगे आप क्लास में करेंगे फीफा बड़ा डिटेल से करेंगे हार जी।, जी तोती रहती है केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस तो आपने बताना सर एन टू ओ है एन टू ओ का मतलब क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड ठीक है इसका जवाब आएगा नाइट्रस ऑक्साइड इसके सूंघने मात्र से बंदा हंसने लग जाता है ठीक है केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज तो आपने बताना सर इसका फार्मूला एन टू ओ है एन टू ओ और इसका जो नेम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका जवाब क्या आएगा इसका जवाब आएगा एक नंबर ठीक है इसका जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा एक नंबर आएगा शाबाश आगे बढ़ते हैं जब महात्मा गांधी अरेस्ट कर लिए गए साल्ट सत्याग्रह के दौरान आपको पता है साल्ट सत्याग्रह कब चला था 1930 में चला था नमक आंदोलन कब चला था 1930 में चला था अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपको नमक नहीं बनाने देंगे गांधी कहते क्या बात हमें कोई रोटी सब्जी में नमक नहीं चाहिए क्या ठीक है नमक तो हर जगह चाहिए एक बात सुनिए ध्यान से हाँ जी एक बात ध्यान से सुनिएगा साल्ट सत्याग्रह के लिए क्या हुआ था 1930 में एक आंदोलन था आप नमक नहीं बना सकते गांधी जी ने क्या किया 12 मार्च 1930 को डांडी से एक आंदोलन दांडी से एक यात्रा शुरू करी जिस जिसको बोला जाता है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को और ये पहुंचे कब डांडी मार्च में ये पहुंचे थे डांडी तक 6 अप्रैल 1930 को और अंग्रेजों की इच्छा के खिलाफ वहां पर क्या बनाया नमक बनाया ठीक है अच्छा अंग्रेजों ने कहा नमक नहीं बनाना अपने वालों ने नमक बनाया और एक आंदोलन शुरू शुरू हुआ जिस आंदोलन को बोला जाता है सिविल डिस मोमेंट यानी सविन्य अवज्ञा आंदोलन कि हमने आपकी बात को बड़ी में ढंग से टाल दिया ठीक है इसके वजह से गांधी जी को क्या कर लिया गिरफ्तार कर लिया ठीक है गिरफ्तार करने के बाद में जो साल्ट सत्याग्रह था इसको लीड करने वाले कौन थे अब्बास तैयब जी इसको लीड करने वाले कौन थे अब्बास तैयब जी और ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चे लगाएंगे बेटा इसका जवाब बहुत कम बच्चे लगाएंगे इसका जवाब आएगा अब्बास तैयब जी बेटा ठीक है और जवाब इसका क्या लगाओगे तीन नंबर लगाओगे अब्बास तैयब जी बहुत बढ़िया इसका जवाब तीन नंबर लगाओगे ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कई बच्चों के लिए नया था और ऐसे क्वेश्चन आजकल भर भर के एग्जाम में आ रहे हैं बेटा ठीक है साल्ट सत्याग्रह चला था उन्नीस में और अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर साल्ट सत्याग्रह गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद इनमें किसने संभाला तो आपने बताना सर आब्बाज तैयब जी ने संभाला और इसका जवाब क्या आएगा तीन नंबर आएगा ठीक है ज़्यादा डिटेल से तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी क्योंकि आगे क्लासेज में बता दूंगा आगे बढ़ते हैं

महिलाओं ने कहा कि जिस बंदे ने इसको लीड किया ना वल्लभ भाई पटेल ने वो बंदा हमारा सरदार है तो यानी इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था इसी आंदोलन के बाद में वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला उन्नीस के वारदोली सत्याग्रह के बाद इसी आंदोलन के दौरान ठीक है और जवाब इसका क्या आएगा जवाब आएगा तीन नंबर इसका जवाब क्या आएगा तीन नंबर ठीक है आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है हाँ जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जल्दी से बताइए आप सारे बताइए कि किसने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास ऑल इंडिया आपने बताना सर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एक संस्था थी और जिसका मेन मकसद क्या था कि फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए शेड्यूल कास्ट के लोगों का कि भारत की जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है ना भारत की जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है यानी सरकारें हैं उसमें शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन वो बराबर का होना चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग में हम लोगों का भी बराबर में योगदान रहे और अगर क्वेश्चन आगे बताइए सर अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर, सर इसने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना करी तो आपने बताना सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसका जवाब आएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कब उन्नीस सौ ईस्वी के अंदर ठीक है मकसद क्या था ज्योतिबा फुले ने नहीं बेटा इसका जवाब आएगा ऐसे तुक्के लगाते जा रहा है अमन बेटा क्या कर रहा है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड क्लास कौन सी होती है बेटा जिनका शोषण किया जाता हो दलित लोगों को डिप्रेस क्लास कहा जाता है ऑल इंडिया क्लास एसोसिएशन की स्थापना में इसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मकसद क्या था भारत के डिसीजन मेकिंग बॉडीज के अंदर शेड्यूल कास्ट लोगों का रिप्रेजेंटेशन बराबर का होना चाहिए तो जवाब आएगा बी आर अम्बेडकर आगे बढ़ो का फर्स्ट पंजाबी पॉइंट बड़े अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से सुनना वो पहला पंजाबी कवि यूज किया था सिंबल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन Wife and husband, स्बेंड एक्सप्रेस इज लॉन्गिंग फॉर यूनियन विद divine. आपको एक बात बतानी है कोई पहला कवि कौन सा था जिसने मतलब इंसान को मतलब जो पति पत्नी का प्रेम है ना उस प्रेम को परमात्मा का प्रेम कहा था और उस प्रेम में ये माना था कि पति पत्नी का प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन है ठीक है आत्मा और परमात्मा का मिलन है और ये किसने कहा था तो आपने बताना बाबा फरीद ने सिम्बोलाइज किया था ह्यूमन रिलेशनशिप को ठीक है और इसका जवाब क्या आएगा बाबा फ़रीद बेटा और ये ओलिया संप्रदाय से थे ओलिया इनका जो क्लास था वो ओलिया संप्रदाय था और जवाब इसका क्या आएगा बेटा दो नंबर आएगा ठीक है चलिए शाबाश आगे बढ़ते हैं बेटा कोका मोमेंट को सभी ने सुना है कोका मोमेंट के बारे में सभी ने पढ़ा है ठीक है आपने बताना कोका मोवमेंट के दौरान किस एनिमल को वर्शिप किया जाता था किसकी पूजा की जाती थी ठीक है हाँ बाबा फरीद पंजाब के पहले सूफी कवि थे पारा आइए सलूक कह लो इसका जवाब आएगा काओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है अच्छे से करना गिरीश तकसीर पूजा बहुत बढ़िया बच्चों सरबजीत ब्राउन मुंडा इसका जवाब आएगा काओ ठीक है हाँ सतगुरु राम सिंह जी ये मैं करवा दूंगा कोई नहीं क्लास में डिटेल से करवा दूंगा ठीक है आओ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी संत इज नॉन एज महबूब ए इलाही अब आपने बताने इनमें से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था इनमें से किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था और जिनके स्टूडेंट का नाम क्या था जिनके स्टूडेंट का नाम था अमीर खुसरो अरे तूने क्या करना है गिरीश बेटा नाम पढ़ के पढ़ाई पे ध्यान दे तू बर्थ सर्टिफिकेट ला देता हूं कल इसका हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं इसका जवाब आएगा शेख निजामुद्दीन ओलिया आपने बताना बेटा शेख निज़ामुद्दीन ओलिया और इन्हीं को क्या कहा जाता था तो आपने बताना बेटा महबूब इलाही ठीक है आगे बात करते हैं व्हाट वाज़ द नेम्स ऑफ सन ऑफ श्री गुरु नानक देव जी ठीक है आपने बताना है सर श्री गुरु नानक देव जी के बेटों का नाम क्या था जल्दी से बताइए आप सारे गुरु नानक देव जी के बेटों का नाम क्या था जल्दी से बताइए आप सारे बिना आवाज करें बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा तो इनके चिल्ड्रन देखो पेरेंट्स तो मेहता कालू और माता तृप्ता देवी जी थे ठीक है और पत्नी का नाम माता सुलखणी था और जन्म हुआ बेटा ननकाना साहिब पाकिस्तान के अंदर और ज्योतिजोत समाए पंद्रह सो के अंदर करतारपुर के अंदर ठीक है और ये कोई नहीं बाद में पढ़ेंगे इसको और इनको इनके जो बच्चों का नाम क्या था श्रीचंद और लक्ष्मीदास ठीक है श्रीचंद और लक्ष्मीदास इनके बच्चों का नाम था और बहन का नाम क्या था बेबी नानकी ठीक है बहन का नाम क्या था बेबे मतलब नानकी ठीक है बीबी नानकी बहन का नाम था चलिए कोई बात नहीं बीबी नानकी जी इनकी बहन का नाम था श्रीचंद और लक्ष्मी लक्ष्मीदास जी इनके बच्चों का नाम था बेटों का नाम था मेहता कालू पिताजी थे माता तृप्ता माता थी ठीक है याद रखना सारे बहुत बढ़िया चलिए इसका जवाब क्या नंबर लगाओगे आप तो बताओ जरा क्या लगाओगे श्रीचंद जी एंड लख्मी चंद जी इसका जवाब क्या नंबर लगाओगे तीन नंबर हाँ जी तीन नंबर लगा दोगे सारे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद चंद बेटा और जवाब दो नंबर ये इस तरह लगाओगे ऑप्शन आगे पीछोगे कोई बात नहीं चलिए आगे बढ़ते इसके बाद में एट विच रिवर डिड गुरु नानक देव जी अटेन एनलाइटमेंट इस नदी के अंदर गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई हाँ जी इस नदी के अंदर गुरु नानक देव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो आपने बताना सर रिवर का नाम है कालीबेन इस रिवर का नाम है कालीबेन और जवाब आएगा सी ऑप्शन ए बी सी डी यानी सी ऑप्शन आएगा ऑप्शन सही लगाया करो इसका जवाब आएगा सी ऑप्शन और इनका नाम क्या है रिवर का कालीबेन इसका जवाब क्या आएगा बेटा तो आपने बताना सर कालीन ठीक है आगे बढ़ते हैं आ, तीन दिन अलोप रहे थे बिल्कुल पानी ऑफ हाउ मेनी भगत इज इंक्लूडेड इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु ग्रंथ साहिब जी अरे वाह ये नॉलेज बहुत अच्छी है पंद्रह भगत ग्यारह भट्ट ठीक है पंद्रह भगत ग्यारह भट्ट ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है और इस बार भी रिपीट होगा कितने भक्तों की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर इंक्लूड है तो आपने बताना है पंद्रह भगत और ग्यारह भाट बेटा ठीक है बहुत बढ़िया शाबाश <laughs> अरे ये नहीं बता तेरे को यार कोई नहीं बता देंगे हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं अमंग द फॉलोइंग हैज won बोथ साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड भारत का लिटरेचर के अंदर एक बहुत बड़ा अवार्ड है ठीक है साहित्य के अंदर एक बहुत बड़ा अवार्ड है आपको आगे मेरे ये क्वेश्चन ढंग से कर लेना आपको आगे ये पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिटो देखो जरा साहित्य अकेडमी अवार्ड भारत का एक बहुत बड़ा अवार्ड है और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी भारत का एक बहुत बड़ा अवार्ड है वो पंजाबी पर्सन ठीक है इनमें से वो पंजाबी पर्सन जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला पदम श्री अवार्ड भी मिला उनका नाम बता दो आप सारे करतार सिंह दुग्गल गिरीश किस मतलब सिस्टम पे चल रहे हैं अलग से नाम लगाते हैं जो मतलब थोड़ा अटपटा सा लगे जिसका नाम कभी सुना ना हो इसका मतलब यही आंसर होगा और पक्का जस्ट ये गिरीश ने यही लगाया सोच के हाँ जी और अगर ना लगाया हो तो मैं इस बात के लिए जिम्मेदार हूं बताओ गिरीश हाँ जी इंग्लिश क्या मैंने सही कहा क्या अगर सही नहीं कहा तो लिख दो नहीं कहा हाँ जी तो चलिए इसका जवाब आएगा बलवंत गार्गी बेटा बलवंत गार्गी जी जो वो पर्सन थे पंजाबी जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला ठीक है और जिनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला और उन्नीस में बलवंत गार्गी जी को पद्मश्री अवार्ड भी मिला था पद्मश्री पद्मश्री अवार्ड मिला था बलवंत गार्गी को 1972 के अंदर और जवाब इसका क्या आएगा बेटा बलवंत गार्गी आएगा तीन नंबर ठीक है शाबाश आगे बात करते हैं इनमें से पहले मतलब वो क्रांतिकारी बताइए जो जो शहीद हुए थे ऑप्शन में चार है वो पहले क्रांतिकारी बताओ जरा जो शहीद हुए थे जल्दी बताइए आप सारे भगत सिंह करतार सिंह सराबा ठीक है मैं तो फैन हूं इस बंदे का करतार सिंह सराबा का ठीक है मैं इस पर्सन का फैन हूं बेटा ਕਿਆ ਜਜ਼ਬਾ ਥਾ ਕਿਆ ਜਨੂਨ ਥਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸਕਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਥਾ ਹਿੰਦਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਪਰ ਖਾਤਰ ਵਤਨ ਦੀ ਲੱਗੇ ਆ ਚੜ੍ਹਨ ਫਾਂਸੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਬਰ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਤੇ ਕਿਸਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਕਹੇ ਤੇ ਹਿੰਦਵਾਸੀਓ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਪਰ ਖਾਤਰ ਵਤਨ ਦੀ ਲੱਗੇ ਆ ਚੜ੍ਹਨ ਫਾਂਸੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਬਰ ਆ ਜਾਣਾ है ना अरे वो चढ़ने वाले भी नहीं घबराए तो देखने वाले तो घबराएंगे ही ठीक है ना और ऐसे जो माओ ने जो बच्चे जन्मे है ना असंभव है कि आज आज की दुनिया में के टाइम ऐसे बच्चे जन्म ले। ठीक है और इनका इनका पता क्या मकसद क्या था इसने एक लाइन लिखी थी कि सदा जीवना नहीं जहान अंदर इन्होंने एक लाइन लिखी थी कि सदा जीवना नहीं जहान अंदर खिड़ी रहेगी सदा गुलजार नाही और सदा कूड़ दे रहे ना जार साही सदा जा ना, हत तलवार नाही ठीक है ना इसने कहा था कि जीवन में सदा ही नहीं रहना ठीक है ना और जो चीजें हैं वो कभी परमानेंट नहीं है ठीक है तो इसलिए इसका जो जवाब आएगा करतार सिंह सराबा 1915 में शहीद किया गया भगत सिंह उन्नीस सौ उधम सिंह जी उन्नीस और चंद्रशेखर आजाद आजाद उन्नीस बेटा ठीक है चलिए इसका जवाब आएगा करतार सिंह सराबा अच्छा वेन डिड द आनंद मैरिज एक्ट पास बेटा अब आप बताओ आनंद कार्ज मैरिज एक्ट कब पास हुआ जल्दी से बताइए बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये आप सभी को पता होगा आपने बताना सर आनंद जो मैरिज एक्ट है कब पास हुआ था डेफिनेटली सी बात है इसका जवाब आएगा बेटा हाँ जी इसका जवाब आएगा 1909 सौ ईस्वी बेटा ठीक है ना 1909 में आनंद मैरिज एक्ट पास हुआ था तो इसका लीगल जिसमें वैलिडेशन मिल गया था और जवाब आएगा 1909 बेटा ठीक है आ जाइए चीफ कमीशन ऑफ रिगार्डिंग बाउंड्री ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पंजाब आपको पता है भारत जब आजाद हुआ तो इसके टुकड़े हुए पाकिस्तान बना ईस्ट और पाकिस्तान बना वेस्ट ठीक है ईस्ट और वेस्ट जो पाकिस्तान बने आज के टाइम तो बांग्लादेश है यानी बंगाल का विभाजन हुआ और दूसरा विभाजन किसका हुआ पंजाब का हुआ और दोनों विभाजन के दौरान मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना दोनों विभाजन के दौरान जो कमिश्नर था वो कौन था बेटा वो था सर रेडक्लिफ ठीक है वो कौन था बेटा सर रेडक्लिफ था और जवाब इसका क्या नंबर आएगा एक नंबर क्लास वालों को तो मैंने बताया है डी कैसे लगा रहे हो जस्टिस शाह कैसे लगा रहे हो बेटी अमन गोदारा जी मैंने क्लास में बताया कि दो बार दो जगह से अपना बंटवारा हुआ था बंगाल से पंजाब से और दोनों साइड से कमीशन के हेड कौन थे तो आपने बताना है रेड क्लिफ ठीक है भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन का नाम भी क्या है रेड क्लिफ लाइन है ठीक है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट पंजाबी साउंड फिल्म यूजिंग द साउंड ऑन डिस्क टेक्नोलॉजी इन जी पहली पंजाबी फिल्म जिसमें आवाज थी उसका नाम क्या था ठीक है देखो जो चीजें रिलेट है वो ही पढ़ेंगे गिरीश जी बाद में करेंगे सा कमीशन क्योंकि तो अभी मेरे को भी नहीं आता सा कमीशन मैं सीखूंगा आप लोगों से फिर आप करवाऊंगा क्लास में फर्स्ट पंजाबी साउंड फिल्म का नाम था राजा ठीक है वर्ल्ड वाइड इसको मतलब बड़ी प्रसिद्धि मिली थी और इसका नाम है हीर रांझा और इसका जवाब क्या आएगा बेटा ये ही ठीक है ना आख दी जोगिया ठीक है ना बड़ा मतलब जबरदस्त किस्सा है हीर का चलिए इसका जवाब आएगा देखिए लाइन है ना कर आ ना ने गलदी करझा जोगी आया है ना कन्नाउंदे दर्शनी मुंद्रा ने और हीरझा इस फिल्म का नाम है और उन्नीस में रिलीज हुई और ये साउंड पहली पंजाबी बोलती फिल्म का नाम क्या था हीरझा बेटा आगे बढ़ो महाराजा रणजीत सिंह का राज्यभिषेक कब हुआ क्राउन का मतलब राजा कब बने राज्य अभिषेक कब हुआ अठारह सौ के अंदर हुआ ठीक है और इनकी डेथ हुई अठारह के अंदर महाराजा रणजीत सिंह और जवाब आएगा अठारह सो एक सुकर चकिया मिसल से थे इनकी मिसल का नाम क्या था सुकर चकिया मिसल था ठीक है और जवाब आएगा दो नंबर एट विच प्लेस वॉज बंदा सिंह बहादुर मार्टायर बंदा सिंह बहादुर जी की डेथ आपको मैं बता दूं महरौली के पास हुई महरौली के पास ये शहीद हुए ठीक है ना और वहाँ पर एक दरगाह है जिसका नाम क्या है बख्तियार जो मतलब अलाउद्दीन नहीं नहीं उसका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के नाम से एक सूफी संत की दरगाह है और दरगाह कहाँ पे है बाबा बंदा सिंह शहीद का लाहौर में अरे वाह क्या बात है सही बता रहे हो हाँ जी जल्दी बताइए इनकी शहीदी काम पे हुई थी बेटा बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की शहीदी कहाँ वैसे तो ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे राजौरी से और ये इनका रियल नाम क्या था माधोदास बैरागी था ठीक है बंदा बैरागी भी कहते थे ठीक है और बर्थ नेम क्या था इनका लक्ष्मण देव बर्थ नेम क्या था इनका लक्ष्मण देव था ठीक है और इनकी डेथ कहाँ पर हुई बेटा दिल्ली के अंदर हुई दिल्ली के अरे ये रावी क्या बता रहे हो आप मतलब आप कन्फ्यूजन है क्या आपको इस क्वेश्चन में बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की जो डेथ है ना ये शहीद कहाँ पे हुए आपने बताना सर दिल्ली ठीक है मुगल एम्पायर का टाइम था उस दौरान और फरुख शेयर ने इनको शहीद करवाया था सतारह सौ सोलह ईस्वी के अंदर ठीक है नौ जून सतारह सौ सोलह ठीक है बहुत बढ़िया मेहरोली दिल्ली के अंदर है और इनका बचपन का नाम क्या था बंदा सिंह बहादुर जी का लक्ष्मण देव था एक हिंदू फैमिली में जन्म लिया ठीक है ना और एक फार्मर घर के फार्मर के घर जन्म लिया था राजौरी के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर में है और सोलह ईस्वी में इनका जन्म हुआ और सतारह सौ सोलह ईस्वी के अंदर ये शहीद हो गए थे बेटा और शहीद कहाँ पूरी दिल्ली के अंदर और इसका जवाब आएगा क्या इसका जवाब आएगा दिल्ली चलिए आगे बढ़ते हैं रचना दुआब इज बिटवीन जल्दी दुआब होता है दो नदियों का बीच का एरिया ठीक है अब आपने बताना सर जो रचना दुआब है वो कहाँ पे है किसके बीच में है रचना दुआब दुआब का मतलब क्या है दुआब का मतलब होता है तो दो नदियों के बीच का एरिया ठीक है तो आपने बताना बेटा रचना जो दुआब है वो है चेनाब और रावी के बीच में चेनाब और रावी के बीच में ठीक है अगर क्वेश्चन आ गया रचना दुआब जो है रावी और चेनाब के बीच का एरिया है और जम्मू डिवीजन का जो एरिया माना जाता था अब क्वेश्चन आएगा कि रचना दुआब जो कवर करता है जैसे मतलब सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिस्ट्रिक्ट है कठुआ डिस्ट्रिक्ट है सांबा डिस्ट्रिक्ट है ऊधमपुर डिस्ट्रिक्ट है ये सारा का सारा एरिया ननकाना साहिब है ठीक है ना मतलब पाकिस्तान का भी एरिया है तो ये सारा का सारा एरिया क्या कहलाता है रचना दुआब किसके बीच में है आपने बताना है बेटा नदियों के नाम क्या है एक का नाम है रावी एक का नाम है चेनाब तो रावी और चेनाब के बीच का एरिया क्या, क्या कहलाता है तो आपने बता रचना दुआब कहलाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं वो वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया भारत जैसे आजाद हो गया उन्नीस में पंद्रह अगस्त उन्नीस तो में भारत आजाद हो गया ठीक है डोमिनियन ये स्पेलिंग गलत लिखा गया भी गवर्नर का भी स्पेलिंग गलत है कोई बात नहीं आपने बताना है भारत की आज़ादी के बाद में पहला गवर्नर जनरल कौन बना तो आपने बताना है लॉर्ड माउंट बेटन बना लॉर्ड माउंट बेटन ठीक है चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए फादर ऑफ ये क्या लिखा गया कम्युनल होना चाहिए था यहाँ पर कम्युनल मतलब जाति के आधार पे धर्म के आधार पर जिसने इलेक्ट्रेट दिया था चुनाव का सिस्टम किया था और उसको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट इलेक्ट्रेट होता है वोटिंग सिस्टम और उसको कम्युनल का मतलब क्या होता है भाई कम्युनल होता है कम्युनिटी के आधार पे धर्म के आधार पर जिसने क्या कर दिया था वोटिंग सिस्टम कर दिया था आप सभी जानते हैं सन उन्नीस सौ ईस्वी के अंदर सन उन्नीस सौ ईस्वी के अंदर लॉर्ड मिंटो नाम का एक प्रसन्न था ठीक है लॉर्ड मिंटो नाम का एक प्रसन्न था और उसने क्या किया था मतलब मुसलमानों को अलग से क्या कर दिया था मतलब इलेक्ट्रेट सिस्टम दे दिया था और सही मायने में 1909 में ही पाकिस्तान के जन्म का बीज बोया गया था ठीक है तो कम्युनल इलेक्ट्रो इलेक्ट्रेट जो है ना या मतलब जाति के आधार पे धर्म के आधार पे जो एक वोटिंग सिस्टम है उसका फादर कहा जाता लॉर्ड मिंटो और उन्नीस में हुआ था बेटा ये ठीक है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते इसके बाद में तो थैंक यू आ गया ठीक है बहुत जल्दी आपने क्लास खत्म कर दी पूरे घंटे के अंदर क्लास खत्म कर दी आज क्वेश्चन भी पचास के लगभग पचास क्वेश्चन थे आज क्वेश्चन बहुत अच्छे थे कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना अपने साथियों मित्रों को क्लास जरूर शेयर किया करो ठीक है और जितना उसके मतलब इस क्लास को अटेंड किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिले ठीक है और मिलते कल की क्लास में थैंक यू सो मच आप सभी का दिन शुभ रहे